नमस्कार। हम संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस मना कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है। एज एलओपी मेरा अधिकार बनता है कि मैं जा सकता हूं, मगर तब भी वो मुझे रोक रहे हैं। मैंने कहा है कि मैं अकेला जाने को तैयार हूं, पुलिस के साथ जाने को तैयार हूं, मगर उन्होंने वो भी बात एक्सेप्ट नहीं की और अब कह रहे हैं कि कुछ दिनों में अगर हम वापस आएंगे तो फिर वो हमें जाने देंगे। ये एक्चुअली जो एलओपी के अधिकार हैं उसके खिलाफ है, मुझे अलाउ करना चाहिए। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। हम सिर्फ संभल जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं वहां क्या हुआ, लोगों से मिलना चाहते हैं, मगर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है, उसको मुझे दिया नहीं जा रहा है। तो यही है, नया हिंदुस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, अंबेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने का हिंदुस्तान है, मगर हम लड़ते रहेंगे। देखिए, जो संभल में हुआ है वो गलत है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके संवैधानिक अधिकार होते हैं, वो बाकी लोगों से अलग होते हैं, उनको रोका नहीं जा सकता। इस तरह से उनका संवैधानिक पद है, संवैधानिक अधिकार है कि उनको अलाउ किया जाए कि वो पीड़ितों से मिलने जाए। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अकेला चले जाऊंगा, यूपी की पुलिस के साथ मैं अकेला चले जाऊंगा, मुझे अकेला ले जाइए, वो भी करने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं है। शायद उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या ये है कि आप इतना भी नहीं संभाल सकते, तो फिर आप इतना गर्व से क्यों कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर आपने संभाल रखा है यूपी में। तो नेता प्रतिपक्ष है, उनका संवैधानिक अधिकार है, उनको मिलना चाहिए, उनको इजाजत देनी चाहिए थी जाने की। राहुल जी भाई मत करो यार, ना मत आना, आगे मत आना भाई, आगे देख रहा, आगे नहीं आ रहे, आगे नहीं आ रहे भाई, देखो यार पहला वाक्य नहीं है। इसके पहले इसी संबल जाने के क्रम में पहले आम पब्लिक भाई नाराजगी सबको हटा देगा, फिर अच्छा लगेगा। और उनका कहना है कि आप जयपुर दिखे बंद।